हेलो दोस्तों, हम जानेंगे आज कोई इंसान जब मर जाता है तो उसका दसकर्मा मरहमा का विधि विधान के बारे में। तो हम जानेंगे उस नियम को जो बरहमा में किया जाता है, क्योंकि दसकर्मा का वीडियो मैं नहीं बना पाया। तो बरहमा का ही नियम क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए चलते हैं उस विधि के। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा पंडित ही ठाकुर को ही हम पंडित का दर्जा दिए हैं और वही सब कुछ विधि विधान का नियम धर्म सब कराता है। अभी जो हम कर रहे हैं वो आटा को दूध, दही, घी, जौ, तिल को मिलाकर सनने को कहा है और उसे तीन टुकड़ों में गोल गोल बनाने का कार्य करेंगे। इस विधि को हम क्या कहेंगे, आप लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे तो मुझे मालूम है कि ये तीन पीढ़ी का हम लोग का तीन पीढ़ी बीत चुका है, इसलिए तीन गो लड्डू बनाना होगा और बनाने के बाद उसे सभी को एक साथ मैश करके नदी में बहा दिया जाता है, जिससे कि हमारे पूर्वजों का आत्मा एक साथ रह जाए और हमारे आने जाने वाले कार्यक्रम में हम लोग हर पीढ़ी को याद करते रहेंगे। अब लोग देखते रहिए क्या क्या विधि है। अभी लंबा हो जाएगा ये वीडियो बहुत, पर ये वीडियो हम अपने मेमोरी में सेव रखने के लिए बनाया है, तो मेमोरी तो फुल हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये वीडियो यूट्यूब पर डाल दिया है ताकि सभी कोई देख सके कि क्या होता है जब कोई इंसान मर जाता है तो क्या क्या विधि विधान करना पड़ता है। ये जो है मेरा बड़ा भाई है, जो है बड़ा पर बहुत छोटा कार्य करता है, क्या बताएं। हमें को सारा कार्य करना पड़ा। अभी सबसे पहले तभी इस मिट्टी को गोल गोल बना के क्या बोलते हैं उसको, चौक पूरने का कार्य करवाता है। पहले चौक पूरने के बाद ही कोई शुभ कार्य या शुभ कार्य जो भी हो चौक पूरने के बाद ही होता है।
आवा चंदन ले ला आवा चंदन वाले ला ना वन चंदन ना ले भाई आवा हां बाप रे बाप ला ले भाई कैसे ले भाई पहले हाफे ले भाई का करे भाई के ले Let me know the light.
कभी ना तुम कहते हो ताने से वहां से देख देख के सीख ने रे बुड़वा कुआ हैं हां चल ले डन
कर ले जी हूं नानी ला भाई नी हां ठगावा ने बढ़िया सही से आगो ए देखा बढ़िया हां हां लेवा में वो पांच का